जिला कटनी तहसील भीमरखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत सिलोरी पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव खमरिया बागरी में खेत में लगी आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खमरिया बागरी के कालूराम बुजुर्ग ने स्वयं के खेत में लगे कचरा को आग लगाकर जला रहा था, तभी अचानक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बुजुर्ग किसान का मेड़ में रखा धान का पैरा घास जलने लगा। पैरा घास में लगी आग को बुजुर्ग ने बुझाने का प्रयास किया गया, जिससे बुजुर्ग की आग में झुलसने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूत्रों से सूचना मिलने पर सिलोरी चौकी प्रभारी हरचंद सिंह पुलिस स्टाफ सहित घटनास्थल पहुंचे और जांच पश्चात बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। कटनी मध्य प्रदेश से रमेश कुमार पांडे, रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। सर, आपके सिलोड़ी चौकी अंतर्गत एक किसान की का मामला सामने आया है, जो कि अपने खेत में नरवाई जला रहा था और उसी आग में खुद जलकर खत्म हो गया। दिनांक 23/4/23 की बात है। सुबह 9 बजे कालूराम बागरी, पिता खुदीराम बागरी, निवासी खमरिया बागरी का है, जो सुबह 9 बजे अपने खेत आया था और खेत के मेड़ पे कचरा में आग लगाया था। उसी मेड़ पे उसका स्वयं का धान का पैरा रखा हुआ था। उस पैरा में उस आग से पैरा में आग लग गई थी, जिसको बुझाने की प्रयास कर रहा था, उसी दौरान जल गया है। ऐसी सूचनाकर्ता के द्वारा दिया गया था और उस मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है।